Hello students, good morning to all. Today I will explain here Mendel's experimental plants. Student, between 1856 and 1863, Mendel conducted his experiments on garden pea, a Pisum sativum. स्ट्रेंथ 1856 और 1863 के बीच में मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए. पी प्लांट को साइंटिफिकली हम पाइसम सटाइवम कहते हैं. स्ट्रेंथ तो व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, तो पाइसम सटाइवम. दिस इज़ द गार्डन पी प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो पाइसम सटाइवम है. इसको लर्न कीजिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट, ही सेलेक्टेड दिस प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट सेलेक्ट किया वो स्टूडेंट गार्डन पी प्लांट था, और इसी पे उन्होंने अपने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए. अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने आखिर इस पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया. इस पी प्लांट में ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ, एक कह सकते हैं कि कौन से करेक्टर बहुत ही अच्छे थे जिनकी वजह से इन्होंने इस पी प्लांट को सेलेक्ट किया एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट. नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट रीजन है दिस प्लांट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल. इस प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटी होती है, लगभग 3 मंथ्स की होती है स्टूडेंट, और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत कम समय में ही देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट कि प्लांट है सम वेल डिफाइंड ईजली डिक्टेबल करेक्टरिस्टिक डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. स्टूडेंट इसके अंदर कुछ कह सकते हैं, इस प्लांट में बहुत ही वेल डिफाइंड ईजली मतलब आसानी से जो है करेक्ट्रेट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिक्टेव कर सकते हैं. अब स्टूडेंट जैसे एग्जांपल है, कुछ प्लांट लॉन्ग है तो कुछ शॉर्ट है. इनके फ्लावर का कलर कुछ का वायलेट होता है, कुछ का वाइट होता है. अगर हम पोजीशन फ्लावर्स की देखें तो टर्मिनल हो सकती है या एक्सियल होगी. स्टूडेंट पॉड का शेप देखें तो पॉड या तो इन्फ्लेटेड होगा या कंस्ट्रिक्टेड होगा. तो इस टाइप के बहुत से 7 करेक्टर्स होते हैं जो आसानी से हम इसके ऑब्जर्व कर सकते हैं. फिर है नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्रेट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्लांट वर प्रिजर्व जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इस प्लांट के जो ट्रेड्स होते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रिजर्व रहते हैं, और क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है, और कंप्लीट क्लोजर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट इंश्योर्ड सेल्फ पॉलिनेशन. और ये स्ट्रेन इस टाइप से डिज़ाइन किया गया कि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है. तो बाइसेक्सुअल होने की वजह से, बाइसेक्सुअल का मींस होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर लार्ज. इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर में वो लार्ज होते हैं स्टूडेंट, और जिसे हम नेक्ड आइज से भी आसानी से देख सकते हैं, और इसीलिए इन्हें क्रॉस पॉलिनेशन करने में आसानी हो जाती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इनसे जो सीड ऑब्टेन होते हैं वो लार्ज नंबर में एक ही जनरेशन में ऑब्टेन हो जाते हैं. और नेक्स्ट रीजन इसका है स्टूडेंट, पी प्लांट प्योर पी प्लांट में आपको 7 करेक्टर्स जो मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया उसमें 7 करेक्टर्स रीड मतलब
ईज़ली अवेलेबल मतलब कह सकते हैं उसे आसानी से हम पी प्लांट के अंदर ये 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स देख सकते हैं। स्टूडेंट इट इज़ ईजियर टू मेंटेन एंड हैंडल दिस प्लांट, इस प्लांट को आसानी से कह सकते हैं हैंडल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। स्टूडेंट इस ये तो कुछ रीजंस थे, अब मेन अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो मेंडल कहाँ रहते थे, ऑस्ट्रिया में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और वहाँ पे लगभग 9 या 10 मंथ तक विंटर सीजन रहता है। अब विंटर सीजन में हमेशा आपको पता होना चाहिए रबी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो पी प्लांट एक रबी क्रॉप का ही प्लांट होता है जिसके लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट इसलिए इन्होंने इस प्लांट को सिलेक्ट किया। दूसरी चीज़ है ये पी प्लांट जो है इसे वो अगर कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी जाना पड़ता था किसी काम की वजह से, तो अपने साथ कुछ प्लांट पी के जो थे वो लेके साथ में जा सकते थे, क्योंकि इसको ले जाना लाना कोई ऐसा है नहीं बहुत बड़ा प्लांट होगा जिसे नहीं ले जाया जा सकता है, तो ऐसे वो आसानी से इधर से उधर कहीं भी जा सकते थे तो लेके जा सकते थे स्टूडेंट। और बाकी इसमें मैंने सभी करेक्ट जो रीजंस हैं वो यहाँ पे बताए, यू कैन लर्न इट। थैंक यू।